शेखावत हमारे साथ है, साथ जानना चाहेंगे आपसे, मुआयना कर रहे हैं आप, कैसा अभी तक का माहौल है? अभी तक मामला बिल्कुल शांतिपूर्ण है। हमने कम से कम 30-40 बूथों का मुआयना किया है, बहुत और गांव में जाके आए हैं, सब जगह शांतिपूर्वक चल रहा है, उन लोगों में उत्साह है वोट के लिए और हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। जी तकरीबन अगर मैं बात करूँ एक बूथ पर कितने जवान तैनात किए गए हैं? हर बूथ पे कम से कम 2 जवान तैनात किए गए हैं। जो भी सेंसिटिव है, जो संवेदनशील बूथ है, उन पे एक हाफ सेक्शन का पैरामिलिट्री का भी लगाया गया है। साथ में पेट्रोलिंग पार्टीज बनाई गई है जो निरंतर इन पर नजर रख रही है। इसके अलावा SHO का रिजर्व है और DSP साहब का रिजर्व है। कुल मिला के सब तरह से बहुत व्यवस्था की गई है, किसी भी तरह की शांति को भंग नहीं होने दी जाएगी। अगर मैं बात करूँ संवेदन और असंवेदनशील, तो कितने बूथ है आपके? हमारे यहाँ पे अति संवेदनशील 9 बूथ है और 6 बूथ हैं जो संवेदनशील है इस एरिया में। तो आपकी तैयारियाँ पूरी हैं और शाम तक आप पूरी पेट्रोलिंग करते रहेंगे? बिल्कुल, शाम तक जब तक मतदान की प्रक्रिया समाप्त ना हो जाए तब तक ये सारी EVM जब तक डिपोजिट सेंटर पे ना पहुँच जाए तब तक बिल्कुल नजर रहेगी। तब तक आपको चैन मिलने वाला नहीं? चैन तो मतदाताओं पर निर्भर करता है, सब बिल्कुल शांतिपूर्वक से चुनाव करें, हमें भी चैन रहेगा उनको भी चैन। अगर मैं बात करूँ अभी तक का जैसा देखने में आया है, कैसा उत्साह है लोगों के बीच? आप तकरीबन 30-40 पॉइंटों में जा चुके हैं, किस तरह का उत्साह? लोगों में काफ़ी उत्साह है। सुबह सुबह 6-6:30 बजे से लोग लाइन लगा के खड़े हैं, 7 बजे तक तो काफ़ी लंबी लाइनें लग चुकी है। इससे प्रतीत हो रहा है कि काफ़ी उत्साह है लोगों में और हमें उनको शुभकामना देते हैं कि अपना मतदान करें और फेयर फ्री इलेक्शन को करने में हमारी सहायता करें। क्या अभी तक किसी भी बूथ पर टेक्निकली कोई दिक्कत सामने आई? नहीं, एक आधे बूथ पर सुनने का आया था जो कि उसी वक्त रिजॉल्व कर लिया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो कंचन टीवी के साथ ये थे अजीत सिंह शेखावत जो SP हैं और बता रहे हैं कि 30-40 बूथों पर वो अभी तक मुआयना कर चुके हैं और बहुत ही बढ़िया अभी तक रुझान है, लोगों में उत्साह है, वोटर हैं और काफी हद तक वो सुचारू रूप से चला रहे हैं और चलाते रहेंगे शाम तक। और उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि जब तक वो EVM मशीनों को डिपॉजिट सेंटर तक नहीं पहुंचा सकते वो चैन से बैठने वाले नहीं है, वो मुस्तैदी के साथ फोर्सेस हैं या फिर जो पुलिस के जवान हैं वो लगे रहेंगे तब तक जब तक वो डिपॉजिट नहीं करा देते EVM मशीनों को। यही है लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व की खासियत कि सब लोग अपनी आहुति इसमें देना चाहते हैं, चाहे वो वोटर हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, हर तरह का हर बंदा चाहता है कि अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे ताकि कल को उसे भी खुशी हो, देश के विकास में उसकी भी भागीदारी हो। तो बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ, मैं ईश्वर।